नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल मिस पे। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वाले वीडियो में चार्जिंग कनेक्टर चेंज करते वक्त हमेशा माइक ख़राब हो जाता है दोस्तों, ये बहुत सारे बार प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको मैं दिखाऊंगा इस वाले वीडियो में। और बहुत सारे दोस्त मेरे ये कमेंट करते हैं कि चार्जिंग कनेक्टर चेंज करते वक्त माइक हमेशा ख़राब हो जाता है दोस्तों, तो इसके ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये माइक है और ये चार्जिंग कनेक्टर है। तो आप बहुत सारी बार ऐसा होता है कि चार्जिंग कनेक्टर चेंज करते वक्त माइक ख़राब हो जाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप कौन से भी कंपनी का मोबाइल में चार्जिंग कनेक्टर चेंज करते हो दोस्तों, तो इसमें चार्जिंग कनेक्टर के सामने ही माइक रहता है दोस्तों, तो ये कॉमन सा बात होता है दोस्तों इसमें। और ये चार्जिंग कनेक्टर चेंज करते वक्त बहुत से बार ऐसा होता है दोस्तों कि माइक ख़राब हो जाता है दोस्तों, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है दोस्तों। तो इसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने एलिमेंट फॉइल टेप लिया है दोस्तों। ये टेप आपको मार्केट में आसानी से मिल सकता है और ऑनलाइन से भी आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये टेप लगाया है दोस्तों, और ये टेप लगाते वक्त माइक दोनों तरफ से अच्छी तरह से कवर हो जाना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये इस तरह से पैक किया है। और ये जो भी आप पेस्ट लगाते हैं दोस्तों, तो ये माइक की साइड में ज़्यादा पेस्ट नहीं लगाने हैं और हीट भी ज़्यादा नहीं देना है माइक की साइड से। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसे हीट दे रहा हूँ, लेकिन वो दूसरी साइड से ज़्यादा दे रहा हूँ दोस्तों। तो इस तरह से आप हीट देकर कनेक्टर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कौन सा भी कंपनी का कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं, ये तो दोस्तों आप जब भी चार्जिंग कनेक्टर चेंज करते हो तो पेस्ट कम ही लगाना है दोस्तों, जैसे कि माइक के ऊपर ना जाए। और जब भी हम आईपी यूज़ करते हैं दोस्तों, आईपी से क्लीन करते हैं, तो माइक के ऊपर ज़्यादा नहीं लगाना है। आईपी लगाने से भी ये माइक होता है उड़ जाता है दोस्तों, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये आईपी लगाया और ये मैकेनिकल शोल्डर पीस यूज़ किया है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत सारे ऐसे टिप्स होते हैं दोस्तों। टिप्स के ऊपर आप कौन सा भी काम करते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा ख़राब होने की संभावना ज़्यादा नहीं रहती दोस्तों, ख़राब नहीं ज़्यादा होते दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कनेक्टर मैंने लिया है दोस्तों। अभी आप कनेक्टर जब भी लगाते दोस्तों, तो हीट कम ही रखना है दोस्तों, और एयर भी कम रखना है, और ऊपर से हीट देते वक्त ज़्यादा एक ही जगह हीट नहीं देना है, और माइक के साइड में ज़्यादा हीट नहीं देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने हीट दिया है और एक ही साइड से ज़्यादा दिया है दोस्तों, और हीट देते वक्त एक ही साइड से ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़ी आसानी से इस वाले चार्जिंग कनेक्टर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये चार्जिंग कनेक्टर के पॉइंट है, ये पूरी तरह से शोल्डर हो चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये माइक है, ये पूरी तरह से क्लीन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इस तरह से बड़ी आसानी से आप कौन सा भी कनेक्टर चेंज करते वक्त माइक ख़राब नहीं कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।